हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, ये व्लॉग मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपका केदारनाथ वाले ट्रिप में टोटल खर्चा कितना आया, क्योंकि इस समय केदारनाथ मंदिर खुल गया है। लोग पूछ रहे हैं कि आपका कितना टोटल खर्चा आया अगर बाई कार जाएंगे। तो मैं बाई कार गया था, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि बाई कार आपका कितना खर्चा आएगा, मतलब आपका कितना पेट्रोल में खर्चा आएगा, कितना आपका वहाँ पर रहने में आ सकता है, कितना आपका खाने में आ सकता है। और मैंने जो चढ़ाई करी थी सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक की, वो हमने घोड़े से करी थी। तो हम लोग सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर गए थे, तो घोड़े से गए थे, तो उसका कितना खर्चा आया। और जब मंदिर से वापस आए थे सोनप्रयाग कार पार्किंग के पास में, वहाँ तक हेलीकॉप्टर का कितना खर्चा आया, क्योंकि वहाँ से हम लोग वापस आए थे तो हेलीकॉप्टर से आए थे। तो सारी चीज़ों की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कितना खर्चा आपका आ सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा पेट्रोल में कितना खर्चा आया। सो गाइस, बात करते हैं कि हमारा गाड़ी का पेट्रोल का कितना खर्चा आया लखनऊ से केदारनाथ तक की। हम लोग लखनऊ से केदारनाथ गए थे, जो कि 750 किलोमीटर की लगभग दूरी पड़ती है। तो उसका टोटल खर्चा आ गया है हमारा आने जाने का 12,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा लगा है। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, उस हिसाब से आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि हमारा खाने में कितना खर्चा आया। तो हमारा खाने में खर्चा आया लगभग 6,000 रुपये का। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग 4 लोग गए थे, तो उस हिसाब से हमारा 6,000 रुपये में पूरा खाना पीना हो गया था। सो गाइस, अब बात करते हैं कि हमारा टोटल खर्चा होटल का कितना आया। तो होटल का हमारा टोटल खर्चा आया है 3,500 रुपये। एक जगह हमने होटल लिया 2,500 में और एक जगह लिया 1,000 रुपये में। मतलब केदारनाथ में सस्ता मिल गया था, 1,000 रुपये में आपको मिल जाएगा ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास में। और एक जगह हम लोग कर्णप्रयाग में रुके थे, वहाँ पे लगभग हमें मिला था 2,500 का। और हमने सिर्फ 2 जगह में कैसे कवर कर लिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारी एक फ्रेंड है दीप्ति, वो रहती हैं अल्मोड़ा में, तो हम लोग यहाँ से गए लखनऊ से, तो सीधे पहले उनके यहाँ जाके रुक गए, ठीक है, कुछ नहीं खर्चा, एकदम फ्री। उसके बाद में जहाँ भी हमें जाना पड़ा वहाँ हमें खाने का देना पड़ा और रुकने के लिए जो होटल लेने पड़े। अगर ये हमारी फ्रेंड वहाँ पर ना होती तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि हमें रूम भी लेने पड़ते उसके अलावा एक्स्ट्रा, और खाने का भी अलग खर्चा हो जाता, क्योंकि 2-3 दिन तो हम लोग वहीं पर रुके हैं, जब गए तब रुके हैं और जब आए हैं तब भी अपने फ्रेंड के यहाँ रुके हैं। तो इस वजह से हमारा कम खर्चा आया है। आपको अगर लखनऊ से जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बार रुकना पड़ेगा, ज़्यादा रूम लेने पड़ेंगे, ठीक है, एक बार में नहीं पहुँच सकते आप। तो इसलिए हमारा खर्चा जो रूम का है वो सिर्फ 3,500 रुपये में निपट गया। सो गाइस, अब मैं आपसे बात करूँ कि जब हमने सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी, उसके बाद जब चढ़ाई चालू करी है, तो वो चढ़ाई हमने घोड़े से करी थी और 4 लोग थे, तो लगभग घोड़े का जो चार्ज था एक पर्सन के लिए 2,500 रुपये था। तो ये 10,000 हमारा हो गया था, सीधे सीधे 10,000 रुपये में हम लोग ऊपर पहुँच गए थे केदारनाथ मंदिर। और इसके बाद में जब हम लोग वापस आए वहाँ से, तो हेलीकॉप्टर से आए थे, तो उसका चार्ज था पर पर्सन का 2,300 रुपये, तो वो लगभग 9,000 रुपये हमारा बैठ रहा था। तो 9,000 रुपये का हमारा हेलीकॉप्टर से 4 लोगों का खर्चा आ गया। दोस्तों, ये सारी डिटेल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जाना होगा तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी वहाँ जाने में, क्योंकि जब मैं जाने की प्लान कर रहा था तो मैंने भी कई सारी वीडियोज देखी, गूगल पे सर्च किया कि हेलीकॉप्टर का कितना चार्ज लगता है, लेकिन मुझे सही से नहीं पता चला। कहीं बता रहे थे 7,000 लगता है, कहीं बता रहे थे 6,000 लगता है, लेकिन जो एक तरफ का चार्ज है वो आपका 2,300 रुपये का लगता है। कुछ कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग सीजन में, लेकिन 2,300 रुपये में हमारा हो गया था एक तरफ का। तो लगभग 4 लोग थे तो हमारा 9,000 में निपट गया था, ठीक है। और तो इसका टोटल खर्चा अगर मैं आपको जोड़ के बताऊं, आप जोड़ सकते हैं कि कितना हुआ है हमारा, तो लगभग ये 41,000 के आसपास हो रहा है, 40-41,000 के आसपास में हमारा केदारनाथ का ट्रिप लखनऊ से कार से कंप्लीट हो गया था। और अगर हमारी फ्रेंड दीप्ति वहाँ पे ना होती अल्मोड़ा में, तो हमारा खर्चा 50,000 के आसपास चला जाता लगभग, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, मान के चलिए आप 50,000 में आपका केदारनाथ का ट्रिप कार से हो जाएगा। अगर आप 4-5 लोग जा रहे हैं तो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। और आप कोशिश क्या करिए, जब भी आप जाएँ मतलब कहीं पर, तो जरूरी नहीं कि आप महंगे महंगे होटल्स लें, आप सस्ते वाले ले लीजिए, क्योंकि रात भर काटना रहता है और उसमें ज़्यादा महंगे लेके कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं यही करता था, मुझे इतना पता नहीं था कि जब मैं मनाली गया था तो मैंने 8-8, 9-9 हज़ार के एक रात के लिए होटल ले लिए थे, ठीक है, 5-स्टार होटल एडवेंचर वगैरह वहाँ पे जो मनाली करनाल में पड़ते हैं ये सब। तो लेकिन उसका चार्ज देके क्या फ़ायदा, आप इसे अच्छा आप घूम लीजिए इतने पैसों में, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसीलिए अब मैं अगली ट्रिप करने वाला हूँ, मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि मेरी जल्दी नई ट्रिप होने वाली है, वो भी लगभग 8-10 दिन की ट्रिप रहेगी, बहुत ही लंबी रहेगी, काफ़ी सारी वीडियोज आने वाली हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और बहुत ही अच्छी अच्छी व्लॉगिंग की वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि जो मैं नई वीडियो डालूंगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।